हम लोग टीजीटी पीजीटी एलटी संबंधित जो क्लास शुरू किए हैं इतिहास और राजनीति विज्ञान का, उसके सिलेबस के अनुसार, तो आज क्लास राजनीति विज्ञान की रहेगी। तो हम लोग ने पिछली क्लास में देखा था कि राज्य की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई, कैसे कैसे समय के अनुसार वो परिवर्तित हुआ, और जो राज्य के आवश्यक तत्व थे उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि राज्य की विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से किस प्रकार परिभाषित किया है उसे देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये देखिए राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अगर हम पहली परिभाषा देखें, पहली परिभाषा की बात करें तो अरस्तु, अरस्तु जो राजनीति विज्ञान का जनक जनक कहा जाता है, अरस्तु ने कहा राज्य परिवारों ग्रामों का ऐसा समुदाय है, राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है। ठीक, अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है और सुंदर जीवन की के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी, और सुंदर जीवन के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। अरस्तु ने कहा राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है और जो सुंदर जीवन की आवश्यकता के लिए बना रहेगा। फिर अगली परिभाषा देख लेते हैं। विल्सन महोदय, विल्सन महोदय ने कहा कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। विल्सन महोदय ने कहा कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। आगे देखते हैं अगले जो विद्वान है, राजनीतिक विचारक है बंसली। बंसली ने कहा राजनीतिक रूप से, ठीक, राजनीतिक रूप से संगठित जनता ही राज्य है। बिल्सन ने कहा कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है, और बंसली ने कहा राजनीतिक रूप से संगठित जनता ही राज्य है। ठीक, अगली परिभाषा देख लेते हैं। डेविड स्टर्न, डेविड स्टर्न जिन्हें आधुनिक राजनीति का व्यवहारवाद जो है उसका जनक कहा गया, इन्होंने राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। डेविड स्टर्न महोदय, जो राज्य शब्द प्रयोग होता था उसके स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया, और उन्होंने जो परिभाषा दी, डेविड स्टर्न ने कहा राजनीतिक व्यवस्था वह है जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। राजनीतिक व्यवस्था वह है जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है। ठीक, राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ क्या है? राज्य, ठीक, अगर देखें कि राज्य वह है जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करती है, लेकिन राज्य के स्थान पर डेविड स्टर्न महोदय ने राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। ठीक, लॉस्की, अगले विचारक हैं लॉस्की। लॉस्की ने कहा राज्य ऐसा प्रादेशिक समाज है, लॉस्की ने कहा राज्य ऐसा प्रादेशिक समाज है, एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार प्रजा में विभाजित है। ठीक, लॉस्की ने कहा राज्य ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर सर्वोच्चता रखता है। ठीक, एक बार फिर देखते हैं। लॉस्की ने कहा राज्य ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर सर्वोच्च है। ठीक, अगली परिभाषा देख लेते हैं। अरस्तु, अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवार का बृहद रूप है। ठीक, अरस्तु ने कहा राज्य परिवार का
बृहद रूप है। आगे इनकी एक और परिभाषा महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, राज्य व्यक्ति का पूर्व है, राज्य व्यक्ति का पूर्व है। ठीक, आगे देख लेते हैं, प्लेटो है, प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अरस्तु ने कहा राज्य परिवार का बृहद रूप है, तो प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो व्यक्ति की बात करते हैं और अरस्तु परिवार की बात करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, गार्नर महोदय है, गार्नर ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है, राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो निश्चित भूभाग पर निवास करती है, जो निश्चित भूभाग पर रहता है और जो निश्चित सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, और जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावता करते हैं। गार्नर ने कहा राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो निश्चित भूभाग पर रहता है और जो निश्चित सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावता करते हैं, ठीक। अगर इनकी परिभाषा की बात करें, इनकी परिभाषा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि गार्नर महोदय की जो परिभाषा है इसमें ये समुदाय अगर बात करें तो जनसंख्या मान लीजिए इसे, इसमें जो राज्य का तत्व है जनसंख्या वो शामिल है, जो राज्य का तत्व है भूभाग वो भी शामिल है, जो राज्य का महत्वपूर्ण तत्व है सरकार वो शामिल है, और जो राज्य की आत्मा जिसे कहा जाता है संप्रभुता वो भी शामिल है। ठीक, जैसे ये राज्य की समुदाय जनसंख्या हो गई और भूभाग आपका भूभाग हो गया, ये सरकार आपका हो गया, उसके बाद संप्रभुता मतलब जो आज्ञा, इसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावता करते हैं। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं, गार्नर ने कहा राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जो एक निश्चित सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और जिसकी आज्ञा का पालन लोग स्वभावता करते हैं। उसके बाद देखते हैं लुई चौदहवां जो एक राजा था, ये तानाशाह राजा था, इसने कहा मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। फिर देख लेते हैं, लुई चौदहवां ने कहा मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देख लेते हैं मैकियावेली महोदय ने कहा कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे मैकियावेली महोदय ने दिया। मैकियावेली ने कहा राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है, राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। फिर आगे देखते हैं, बर्क महोदय है, बर्क ने कहा राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, बर्क ने कहा राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। ठीक, फिर देख लेते हैं, बर्क ने कहा राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण सभी पूर्णता में साझेदारी है। यहाँ तक हो गया, एक बार हम लोग फिर रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी रहे। तो परिभाषा देख लेते हैं राज्य की, अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है, राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका विकास आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति के लिए हुआ है और सुंदर जीवन के लिए इसकी आवश्यकता बनी रहेगी। ठीक, आगे देखते हैं, बिल्सन महोदय ने कहा कानून के लिए संगठित जनता ही राज्य है। फिर आगे देखते हैं, बलंसली ने कहा राजनीतिक रूप से संगठित जनता ही राज्य है। यहाँ पे देख लेते हैं बलंसली और बिल्सन में केवल एक चीज का डिफरेंट है, बलंसली ने कानून को माना है
और ब्रांसली ने सॉरी विल्सन ने कानून को बेस बनाया और ब्रांसली ने राजनीति को। ठीक, उसके बाद देखते हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने कहा राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था का जो शब्द प्रयोग किया है डेविड ईस्टन ने किया है। उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था वह है जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन करता है। ठीक, आगे देखते हैं, देख लेते हैं लॉस्की के अनुसार। लॉस्की ने कहा राज्य ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। ठीक, अगली परिभाषा देख लेते हैं। अगली परिभाषा अरस्तु की है। अरस्तु ने कहा राज्य परिवार का बृहद रूप है। फिर अरस्तु की एक और महत्वपूर्ण परिभाषा है, अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु ने कहा राज्य व्यक्ति से पूर्व है। फिर प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। प्लेटो ने कहा राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। फिर आगे परिभाषा देख लेते हैं। गार्नर महोदय जो राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा दी है। अब क्यों अच्छी परिभाषा दी है इसकी भी चर्चा कर लेंगे। कहा गार्नर ने कहा राज्य ऐसे लोगों का समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जो एक निश्चित सरकार द्वारा नियंत्रित होता है और जिसकी आज्ञा का पालन लोक स्वभावता करते हैं। इसमें देख लेते हैं जो राज्य के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं इनकी परिभाषा में ये चारों तत्व शामिल हैं। जैसे समुदाय जनसंख्या की बात कर रहा है, ये जो भूभाग है भूभाग की भी इसमें चर्चा है, उसके बाद सरकार की भी चर्चा इन्होंने की है और संप्रभुता जो राज्य का आवश्यक तत्व आत्मा है उसकी भी चर्चा इस परिभाषा में हुई है। इसीलिए गार्नर की परिभाषा को राज्य की सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। उसके बाद जो लुई चौदहवा है, लुई चौदहवा ने कहा मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। उसके बाद देख लेते हैं एक है विद्वान मैकाइवर ने कहा राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों। मैकाइवर ने कहा कि राज्य विधि का शिशु और जनक दोनों है। उसके बाद अगली परिभाषा बर्क के अनुसार राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये रही राज्य की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको हमने देखा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग अभी तो क्लास चल रही है लेकिन आगे कोशिश करेंगे इसके साथ साथ हम लोग जो इसके इससे संबंधित है प्रैक्टिस सेट होगा हम उसे भी सॉल्व करेंगे आप तक पहुंचाएंगे। आप के लिए हम लोग लगे हुए हैं जो आगामी परीक्षा होने वाली है तो हमारे लिए कम से कम एक सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए ताकि आप लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो धन्यवाद।